करते हैं किसी ने मेरे को पूछा कि आप खुश क्यों और मैं दुखी क्यों। अब ये सवाल तो क्या है कि कोई एक का नहीं, ये सबका है सवाल। दुखी क्यों? आज दुख तो सबको है, दुख सारे संसार में किसको नहीं है। हर आदमी एक दूसरे को देखता है तो वो सुखी दिखता है और खुद अपने आप को उसके सामने दुखी देखता है। तो अभी यही बात थोड़ी देर पहले मैं आया तो हुई थी। अब ये सुख और दुख की वाली चीज क्या है? ये एक मन की ग्रंथि है। मानो तो जंगल में भी मौज है, झोंपड़ी में भी मौज है, और अगर नहीं माने तो महलों में भी कष्ट है, तकलीफ है। अब बात यह है कि भाई ये सुख और दुख उपज कहाँ से होती है? इसकी सुख और दुख की उपज, तो उपज में ऐसा आता है कि जब हम किसी को अपने सामने अपने से तुलना करके देखते हैं, जहाँ तुलना होती है वहाँ सुख और दुख में भेद शुरू हो जाता है। एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो कभी चील का आसमान में ऊंचा उड़ना देखकर दुखी नहीं होती। वो दुखी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसको अभी उसका एहसास नहीं, उसने उससे तुलना नहीं की। और चील बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ती है, मैं बहुत कम उड़ती हूँ, ऐसा वो तुलना नहीं कर सकती। तुलना नहीं कर सकती इसलिए वो चिड़िया अपने हाल में मौज में मस्त है, चील अपने हाल में मस्त। जंगल में भी ऐसा ही है कि अगर जंगली फूल प्रकृति में खिलता है तो वो भी उतनी शिद्दत से खिलता है जितना गुलाब का पौधा या कोई और अच्छा पौधा खिलता है। दोनों अपने अपने मौज में, अपने अपने खुशबू में, अपने अपने रंगत में खुश रहते हैं। उसके पीछे भी यही कारण है कि छोटे फूल ने या जंगली फूल ने कभी उससे तुलना नहीं की अपनी। नहीं तो वो देखता कि गुलाब का फूल तो खुशबूदार है, भगवान के चढ़ता है, इसकी माला बढ़ती है, कीमत में ज़्यादा है। अगर ये तुलना वो फूल फूल आपस में करना शुरू कर दे तो वहाँ उनके बीच में भी दुख आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि हम अज्ञान का वर्ष जो चीज़ सामने नहीं है उसको देख कर सोच कर खुश हो जाते हैं, या जो चीज़ सामने नहीं है उसको देख कर दुखी हो जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं सोच कर ही। तो ये जो है सारा